हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th के 9th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.5। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। हमें क्वेश्चन में बताना है टर्म्स कौन सी है एंड कोफिशिएंट कौन कौन से। तो स्टूडेंट्स, हमने कल वीडियो में टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टर्म्स पूछ रहे हैं कितनी टर्म्स है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक टर्म तो ये है, दूसरी ये है। कितनी टर्म हो गई स्टूडेंट्स? दो। हम लिखेंगे कितनी टर्म है, टू टर्म्स। ठीक है, दो टर्म है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन सी है। दो टर्म है, फाइव एक्स वाई जेड स्क्वायर, दूसरी है माइनस थ्री जेड वाई। दो टर्म है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्म, यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट। दो टर्म हो गई, पहली ये और दूसरी ये। इसके बाद में कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है? वेरिएबल कौन से हैं? एक्स वाई एंड जेड, ये वेरिएबल है। एंड कौन जो न्यूमेरिकल है वो कौन सी वैल्यू है? फाइव। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? फाइव। यहाँ पे हम देखें तो माइनस के थ्री जेड वाई, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? माइनस थ्री। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? माइनस थ्री। तो स्टूडेंट्स, समझ आ गए इतना क्वेश्चन? अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पूछ रहे कितनी टर्म्स है, टर्म्स कोफिशिएंट कितनी टर्म्स है स्टूडेंट्स? थ्री, वन टू थ्री, थ्री टर्म्स हो गई। पहली टर्म कौन सी है? वन। दूसरी टर्म कौन सी है? एक्स। तीसरी टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट की बात करते हैं, वन का कोफिशिएंट क्या होगा? वन ही होगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा? इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मतलब वन है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट वन। तो सभी का कोफिशिएंट क्या है इसमें? वन। एंड टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स? थ्री। समझ आ गया? आगे करते हैं हम क्वेश्चन। थ्री माइनस पी क्यू आर पी एन क्यू आर। इसमें बतानी है हमें टर्म्स कितनी हैं, कोफिशिएंट कितने हैं, टर्म्स कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कितनी टर्म है। वन टू थ्री फोर, फोर टर्म्स हैं। कौन कौन सी है? थ्री माइनस पी क्यू आर पी माइनस क्यू फोर टर्म्स है। टर्म्स हमने लिख दी, कोफिशिएंट बताने हैं। थ्री का कोफिशिएंट थ्री, पी क्यू का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? आगे हम बोल सकते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन वन तो है, वन। लेकिन साइन किसका है? माइनस का। तो क्या माइनस वन कोफिशिएंट हो जाएगा? आर पी के साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, तो मतलब वन है। एंड क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई, माइनस वन। तो समझ आ गया होगा आपको कि टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्लासिफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। कौन कौन से है? बताना है हमें
तो यहाँ पे हमें बताना है स्टूडेंट्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल कौन कौन से हैं। तो कल हमने ये किया था कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में दो टर्म हो, कितनी दो, तो वहां पे वो क्या बनेगा, पॉलीनोमियल कौन सा बनेगा, दो है तो बाइनोमियल, तो कौन सा हो जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, इससे आगे कितनी टर्म है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के लिए मोनोमियल। आगे एक दो तीन, तीन है उसके लिए ट्राइनोमियल। और अगर तीन से ज्यादा टर्म हो जाए, चार पांच छह सात, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, पॉलीनोमियल। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीनोमियल। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो मोनोमियल, दो टर्म हो बाइनोमियल, तीन हो ट्राइनोमियल, एंड तीन से ज्यादा हो जाए, चार पांच छह सात, तो वो क्या हो जाती है, पॉलीनोमियल। तो क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स हमने दो क्वेश्चन कर लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज में चार क्वेश्चन है, दो हमने अब आज कंप्लीट कर लिए, बाकी के दो हम कल करेंगे। तो अपना होमवर्क स्टूडेंट्स अच्छे से कर लेना। थैंक यू।